अब हम आ गए हैं ये डिनर करने के लिए, और डिनर करने के लिए हम आ गए हैं जीपीसी मींस कोल कॉन्टिनेंटल, और ये हमारी एंट्रेंस हो रही है। और मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि हम लोग इनके कौन से लाउंज में डिनर करेंगे। ये भी यहाँ स्टार्टिंग में चेक होती है गाड़ी, ठीक है, सारा चेक करेंगे और फिर हम अंदर एंटर होते हैं। ये जी हम लोग पीसी में अब एंटर हो गए हैं। ये है मेरे हबी और ये हूँ मैं, और पीछे हूँ मैं जी। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, और आपको बताती हूँ कि हम किस में लेंगे वाले पास है ना जी। और ये हूँ मैं, ठीक है, और हम लोग अभी आए हैं डिनर के लिए, तो अब मिलती हूँ आगे। अभी मुझे मेरे रेस्ट रूम में, और ये सबसे फ्रेश होकर फिर हम आगे जाएंगे डिनर के लिए, ठीक है। तो जी इस वक्त अभी हम लोग पीसी के जो है ना वो लॉबी में बैठे हुए हैं, क्योंकि 15 मिनट्स का वेट है, और हम डिनर कर रहे हैं जी दम पफ में, क्योंकि वो हमारा बहुत फेवरेट है। एक तो वो कैंडल लाइट है, और उनका फूड, उनकी नौरतन बिरयानी, वो हमारी फेवरेट है। तो इस वक्त पीसी के लाउंज में हम लोग हैं। थोड़ा आपको लाउंज की लुक में दिखा देती हूँ। ये देखो, वाह, इनके जो शैंडलियर्स हैं ये तो बेस्ट हैं, और बड़े फेमस शैंडलियर्स हैं, ठीक है जी। और इनकी ये जो कैप्सूल लिफ्ट है, तो जी बस हम ये सारा कुछ जो है वो अभी इंजॉय कर रहे हैं बैठ के। अभी खाना खाने जब हम अंदर जाते हैं दमपुक में, तो आपको ये भी दिखाती हूँ हम लोग क्या ऑर्डर करें, क्या खा रहे हो, और दमपुक अंदर से कैसा है, ठीक है। क्योंकि अभी हम दमपुक जाने लगे हैं डिनर करने के लिए, और मेरे हबी इस वक्त इधर जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, क्या हुआ सुनिए? ये सिल्वर का है जी। अच्छा, ये लकड़ी का नहीं है? तो ये तो वुड लग रही है। अच्छा, हाँ ये सिल्वर का है, अच्छा लग रहा है, यार ये सारा सिल्वर का बनाया है, अच्छा लग रहा है। ये अब तो ऐसा बनता भी नहीं है, कोई नहीं बना ले। और जी ये हूँ मैं, और हम यहाँ बैठे हैं, और अब हम यहाँ पे डिनर के लिए ऑर्डर करने लगे हैं। खा लिया यहाँ से पीसी से, और अब हम लोग निकल रहे हैं वापसी की तरफ। तो हमसे गाड़ी में जाके फिर मिलती हूँ, ठीक है जी। तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया, शॉपिंग भी कर ली, शॉपिंग करवा भी दी, और बड़ा अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। ब्राइड आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो इंशाल्लाह आपको मेन फंक्शंस पे ही दिखाऊंगी ना, ठीक है, अभी इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, और आप एक और बड़ी ख़ास बात, आप लोगों में से काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी जो आपके देवर हैं जिनकी शादी है वो किधर है, आप उनको तो दिखाएँ। तो जी भाई, ज़रा सा सुकून, सब्र, हौसला, जो मेरा देवर है वो है अब्रॉड में, ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं है। इंशाल्लाह वो अपनी शादी से पहले आएगा, तो मैं आप लोगों को उससे ज़रूर मिलवाऊंगी भाई। अपने मेरे फिर वो सारे ब्लॉग में आएगा ना, जो उसकी शादी के ब्लॉग होंगे सब में दिखाऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सुकून और सब्र करें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, हालांकि मैंने हालांकि अपने देवर को ये बात कही कि भाई सब आपको देखना चाह रहे हैं, तो वो कह रहा था कि मैं वीडियो बना के भेज दूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जब आओगे तो मैं ब्लॉग में अपने आप को लूँगी, फिर सबको दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा वेट कर ले, इंशाल्लाह जैसे इसकी शादी का टाइम आएगा तो वो सारे ब्लॉग्स में आएगा इंशाल्लाह ताला। फिर उसकी जो हम शॉपिंग साथ साथ करेंगे वो भी तो आपको देखनी है ना, वो भी तो दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। वेडिंग प्रेप शुरू हुए हैं अभी, तो बड़े मामलात आगे तक है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी चीजें होनी है, और कुछ गवर्नमेंट के वायलेशंस भी करने पड़ेंगे, वो तो डेफिनेटली टाइम डिले के इस तरह के छोटे मोटे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि ज्यादा करने के ना हमें कोई देगा ना हम कर सकते, तो वो तो अच्छी बात नहीं है, छोटे मोटे हो जाएंगे। हाँ, तो आप अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू बातों के साथ। आज के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस नए काम के साथ कि हमने जो मिठाई ऑर्डर की हुई थी वो मिठाई पिकअप करने के लिए आ गए हैं। अब मिठाई पिक करके हम जाएंगे वेडिंग प्रेप्स की तरफ, और वेडिंग प्रेप्स हमारी जो कि आपको पता चल रही हैं और हो रही हैं, तो उसमें आप हमारे साथ साथ हैं। ये हमने फ्रेश फ्रेश
रेडी करवाई हैं और ये 3 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था और अब हम अपना ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। ऑप्शन वैसे हमारे पास ये बिस्किट्स की भी थी, तो बिस्किट भी हम पैक करा सकते थे, लेकिन आपको पता है क्योंकि ट्रेडिशन जो है वो स्वीट्स का है, मिठाइयों का है, तो मिठाई के लिए फिर मिठाई ही पैक करानी पड़ती है इस तरह के इवेंट्स में। केक और बिस्किट्स तो किसी और इवेंट के लिए बेहतर होते हैं। ये हमारा भाई पैक कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी में है, लेकिन पैक इससे फिर भी नहीं हो रहा। बड़ी कोशिश कर रहा है किसी तरह पैक कर लूँ, लेकिन पैक नहीं कर पा रहा। जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो। एन जी एट लास्ट ये पहुंच ही गए हैं अपनी मंजिल तक पैक करते करते। कुछ ना कुछ कर लेंगे ये, आज कोशिशों में हैं। कुछ हो जाएगा आज, कह रहे हैं हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये पैक हो गई है मिठाई और बामुश्किल ही कर ली है। बाकी ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत किए जा रहा है कि किसी तरह मैं पैक कर लूँ जल्दी जल्दी। लुक बिजी डू नथिंग हो रहा है, ये चीज़ें होती हैं टाइम कंज्यूमिंग। और मुझे पसंद है कि मैं खुद जाके अपनी मर्ज़ी की तसली करके चीज़ें लूँ, ताकि उसमें कोई ये गिला शिकवा ना ले रहे कि जी उसने ये नहीं कराया, उसने वो नहीं कराया, या मेरी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हर मामले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो तुमने काम डाला ना, ये पता लगा है इंग्लिश काम हो गया। दूसरे डब्बों में इतनी मेहनत नहीं की, ये फ़ायदा होता है ना मैं ऊपर आके काम कराने का। छोटे भाई नाम क्या है आपका? अली शाह। इतना बड़ा नाम अली शाह। गायब हो गए हैं जादू से, फिर आ गए। नहीं जी, अली शाह ने बहुत मेहनत की है जी, मैं तो फैन हो गया हूँ इसकी पैकिंग का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कुछ कर पाएगा। ये फूल लगाने की कोशिशों में है, अभी फूल लगते हैं तो फिर हम यहाँ से मूव कर सकेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत तेज चल रहे हैं बच्चे और फूल लगा नहीं रहे। खान साहब को गुस्सा चढ़ गया है और हम जो हैं यहाँ पे फूलों का वेट कर रहे हैं, फूल लग जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फूल की किन फूलों की बात हो रही है। ये फूल देख रहे हैं ऊपर, इन फूलों की बात हो रही है जो कि ये लग नहीं पा रहे। जैसे ये फूल लगे हुए हैं, इन पे लग गए हैं, ये रेडी टू गो हो गए। और ला दे फूल छोड़े हो, ला दे 4-5 फूल लाओ, बुकाइए बिचों। लो दोस्तों, ऑल सेट टू गो हो गया है। देखते ही देखते मिठाई पैक करा ली है, गाड़ी में डिगी में बैक सीट पे रख ली है। अब हम जा रहे हैं अगले मामलात के लिए, जो कि हमने रेडी होना है। रेडी होके तो डेट फिक्सिंग के लिए जाना है। और ये बहुत ही तेज स्पीड के साथ जाते हुए फटाफट आगे मोटरसाइकिल ने ब्रेक लगाई और हमने भी ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाते ही आगे बढ़ते हुए और डी की जाने दमा दमा बॉल लेके शबाज जूनियर आगे जाते हुए। ओह, ये तो आगे फिर गाड़ियां आ गई, गाड़ियों का रश आया, मोटरसाइकिल को डॉज दिया, डॉज देते हुए और बहुत ही उम्दा ब्रेक। अब हम यहाँ से चलते जाएंगे और चलते ही जाएंगे। अब जैसे मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। स्लो मोमेंट में तो ठीक है, सिग्नल जब रुकता है तो मैं बना लेता हूँ, नहीं रुकता तो फिर मैं चलने देता हूँ, जाने देता हूँ। तो बस यही सारी बातें हैं, यही मामलात हैं जिंदगी के, यूं ही चलती रहेगी। और खुश रहें, पॉजिटिव रहें और हैप्पी जिंदगी गुजारें। अच्छा, बचपन में मैं ये सोचा करता था कि यार इतनी मिठाई कौन शौक से खाता है, पता नहीं किसको शौक होगा। केक खा लें, पेस्ट्री खा लें, कोई और चीज खा लें, कुछ मुंह मीठा करना है ना, कोई बिस्किट्स खा लें। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़े हुए तो हम भी इसी अपब्रिंगिंग में थे और हमारा कल्चर था, हमारी भी ग्रूमिंग यही थी कि हम अच्छी अच्छी चीजें खाएं, जो बड़े खा रहे हैं वही खाते रहें। तो उसमें फिर हमें भी मिठाई खाने का शौक हो गया। और कई लोग तो इतने क्रेजी होते हैं, अब तो मैं भी वैसे बहुत ज्यादा क्रेजी हूं कई लोगों की क्या बात करूं मिठाई के मामले में, कि मैं खुद भी
एक अच्छी क्वांटिटी में मिठाई खा लेता हूँ। तो क्वांटिटी बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बताई तो मामला बिगड़ सकते हैं।